जय जोहार। अभी अभी खबर आई है रायपुर से कि अशोका बिरयानी है, काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पे दो कर्मचारियों की मौत हो गई है। गटर में वो गए थे सफाई करने के लिए और इसी दौरान जो है उन कर्मचारियों की मौत की खबर आई। खबर जैसी आई मीडिया के साथी वहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचे और स्वाभाविक है कि कोई भी घटना होती है तो हम लोग कवरेज के लिए पहुँचते हैं। चूंकि मैं रायपुर में नहीं हूँ, बस्तर जा रहा हूँ चुनाव कवरेज में, इसलिए वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। लेकिन सबसे दुखद खबर ये है कि जैसे ही वहाँ पे हमारे कुछ युवा साथी पत्रकार साथी कवरेज के लिए पहुँचे तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने हाथापाई की शुरुआत कर दी। वो कवरेज से रोकना चाह रहे थे, हमारे कैमरे पर उन्होंने हाथ लगाया, माइक को छीनने की कोशिश कर रहे थे और हमारे एक साथी पत्रकार रवि मिरी, जो कि काफ़ी तेज तर्रार और युवा पत्रकार है, जुझारू पत्रकार है, उनके साथ उन्होंने काफ़ी मारपीट की है, उन्हें चोट भी आई है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं और रवि मिरी के समर्थन करने के लिए हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी वहां पे मौजूद हैं अशोका बिरयानी सेंटर में। और ये इस तरह की घटना होना, पत्रकार साथियों के साथ मारपीट होना, ये काफ़ी निंदनीय है। और रायपुर प्रेस क्लब के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं रायपुर प्रेस क्लब की तरफ से भी जो है इस घटना का को लेकर मैं निंदा कर रहा हूं। और रवि मिरी की बात नहीं है या पत्रकार से मारपीट की बात नहीं है, सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर ऐसा क्या है अशोका बिरयानी सेंटर में जिसके चलते मीडिया को कवरेज करने से वहां पे रोका जा रहा है। और क्या कोई जो है घटना, कोई साक्ष्य, कोई तथ्य है, कोई सबूत है जिसे मिटाने की कोशिश बिरयानी सेंटर की तरफ से किया जा रहा है? और महिला कर्मचारियों को क्यों आगे किया जा रहा था कवरेज के दौरान, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस को इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए और मारपीट करने वाले कर्मचारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो सेंटर है बिरयानी सेंटर, उसकी जो है पड़ताल भी गहराई से होनी चाहिए कि आखिर वो किन परिस्थितियों में, किन हालातों में जो है वो संचालित हो रहा था और उन कर्मचारियों की, जो दो कर्मचारियों की दुखद मौत हुई है, उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद।